सुंदरनगर के खूनी नहर में कंट्रोल गेट के समीप एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति की पहचान मानसिंह 46 वर्षीय निवासी भैली के रूप में हुई है। नहर में शव मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई है। मानसिंह 9 फरवरी से घर से निकला था और नहर के समीप पाम फिसलने से नहर में गिर गया था। तब से लेकर आज तक पुलिस शव की तलाश कर रही थी, जो आज खत्म हो गई और पुलिस को नहर में शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल सुंदरनगर भेज दिया है। उसके बाद शव को घर वालों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने बताया कि पिछले महीने 9 फरवरी को बहली के समीप पाम फिसलने से व्यक्ति नहर में गिर गया था। मामले की पुष्टि डीएसपी तरनजीत सिंह ने की। ग्राम पंचायत अपरवैली गांव के मानसिंह का जो 9 फरवरी को जो पांव फिसलने से मौत हुई थी, वो आज बीएसएल नहर में गेट नंबर 5 में पाई गई और जिसके उपरांत बीएसएल थाना एएसआई दलजीत और उनकी टीम सहित सब को बरामद करके सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा के आज परिजनों को सौंप दिया। बीएसएल नहर में ये बार बार हादसे होने का जो कारण है, ये नहर में जो बैरिकेड जो नहीं लगे हुए हैं, उन स्थानों में यदि बीएसएल प्रशासन यदि बैरिकेड लगाता तो इसमें ये ऐसी घटनाएं ना होती। मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि ये जो बार बार दुर्घटना हो रही है, तो सभी स्थानों में जो खाली स्थान है वहां पर बैरिकेड लगाए जाएं और इसके उपरांत प्रशासन और सरकार से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये मानसिंह एक गरीब परिवार से संबंध रखता था, अपने परिवार से एक बेटी और अपनी घरवाली और माँ को छोड़ गया। मैं ये चाहूँगा कि इसके ऊपर भी प्रशासन मदद करें